दोस्तों, जो लोग भी उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उत्तराखंड में समूह गौ की नई भर्ती आने वाली है, इसी की जानकारी आज के न्यूज़पेपर में आई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस जानकारी को पढ़ के सुनाऊंगा। और दोस्तों, इसमें एक भर्ती है कनिष्ठ सहायक की, उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है। कैसे आप उस भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको खबर पढ़ के सुना देता हूँ। तो दोस्तों, खबर को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस साल समूह गौ के 1200 पदों पर भर्तियां निकालने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि 6 माह के भीतर ये भर्तियां निकाल दी जाएंगी। देखिए, ये जून महीने की ये खबर है, तो जुलाई अगस्त सितम्बर तक का ये आपको भर्तियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं शुरुआती महीनों में। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि 1200 नई भर्तियों में से 600 पद फॉरेस्ट गार्ड के, 84 पद वन दरोगा के हैं। हालांकि कुछ कमियों की वजह से इनके अध्याचन लौटाए गए थे, जो वापस आने का इंतजार है। इंटरमीडिएट स्तर के कनिष्ठ सहायक के 209 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है। स्टेनो के 200 पदों के अलावा अन्य छोटे छोटे विभागों के पदों को मिलाकर कुल 1200 नए पदों की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो जानकारी को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, 1200 पदों पर ये भर्ती आ सकती है, जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसमें ज़्यादातर जो पद हैं इसमें फॉरेस्ट गार्ड के हैं, 600 पद फॉरेस्ट गार्ड के हैं। और इसमें देखिए, इंटरमीडिएट स्तर के जो 12th पास हैं उनके लिए देखिए 209 पदों पर ये भर्ती आएगी कनिष्ठ सहायक के। हो सकता है इसमें ज़्यादा पद भी आ सकते हैं, जब ऑफिशियल वेबसाइट में जानकारी आएगी तो हो सकता है बाद में पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। तो जो भी कनिष्ठ सहायक के लिए जो भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें अपना अगर आप कोचिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप YouTube में ही उत्तराखंड GK की वीडियो अभी से देखना शुरू कर दें। उत्तराखंड GK को आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, और साथ साथ में आप 15 मिनट या आधा घंटा अभी से टाइपिंग भी अपना सीखते रहें, क्योंकि इसमें रिटर्न होने के बाद में जो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका बाद में टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है इसमें। तो साथ साथ में आप लोग टाइपिंग भी सीखते रहें। तो दोस्तों, आपने खबर देख ली कि खबर क्या है, कौन कौन सी भर्ती इसमें आने वाली है, किन किन पदों पर भर्ती आने वाली है। तो जो लोग भी कनिष्ठ सहायक के लिए तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कह देना चाहता हूँ मैं, आप लोग साथ साथ में टाइपिंग भी थोड़ा बहुत सीखते रहें। भले ही 15 मिनट आधे घंटे के लिए टाइपिंग सीखें, आप लोग मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करें और प्ले लिस्ट पर चले जाएँ, और वहाँ से आपको हिंदी टाइपिंग कोर्स के और इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के फ्री वीडियो मिल जाएंगे। आप इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के फ्री वीडियो देखना, और इंग्लिश टाइपिंग आप आराम से घर बैठे सीख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में भर्ती की एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।